हेलो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाला हूं, टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन पाकिस्तान इन उर्दू। इसमें देखेंगे हम कि कौन कौन टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं रिचेस्ट पीपल इन पाकिस्तान, और क्या करते हैं, किस तरीके से वो रिच बने हैं और इस लिस्ट में आए हैं। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, चलिए इस वीडियो का मज़ा लेते हैं। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। वेलकम टू pakiholic.com। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 10 अमीर तरीन लोग, टॉप 10 रिचेस्ट पीपल फ्रॉम पाकिस्तान। ओके। पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं, ये पिक्चर कैसे दिखाया है, कारोबार के जरिए बेतहाशा दौलत कमाई है, नोट से सिगरेट जलाना, कुछ लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कुछ ने शुगर इंडस्ट्री में, कुछ ने रियल एस्टेट में और कुछ ने दीगर शोबों में काम करके अपना नाम बनाया है और अपनी दौलत में इजाफा किया है। इस वीडियो में हम पाकिस्तान में मुकीम और पाकिस्तान से बाहर मुकीम अमीर तरीन पाकिस्तानियों पर नजर डालेंगे। इससे पहले कि हम नंबर 10 से वीडियो का आगाज करें, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो इनकी वीडियो का, तो आइए जाकर चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर। नंबर 10 पर है दीवान मुश्ताक। दीवान मुश्ताक, दीवान मुश्ताक पाकिस्तान में कारोबार की दुनिया का एक बड़ा नाम है। इनका ताल्लुक कराची से है और ये दीवान मुश्ताक ग्रुप के मालिक हैं। ओके। इनकी दौलत तकरीबन 880 मिलियन डॉलर है, पाकिस्तानी रुपयों में ये तकरीबन 90 अरब रुपए बनते हैं। दीवान मुश्ताक की मुख्तलिफ कंपनीज टेक्सटाइल, शुगर, पोलिएस्टर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में काम कर रही हैं। वाओ, क्या बात है। नंबर 9 पर है रफीक हबीब। रफीक हबीब का ताल्लुक कराची से है, ये भी कराची से। दौलत तकरीबन 900 मिलियन डॉलर के करीब है, ये पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 95 अरब रुपए बनते हैं। रफीक हबीब कई दहाइयों से कारोबार से मुंसलिक हैं और ये हाउस ऑफ हबीब, मैक्रो पाकिस्तान और हबीब बैंक के मालिक हैं। HBL। नंबर 8 पर हैं नासिर शान। नासिर शान दुबई में मुकीम पाकिस्तानी हैं। HBL PSL में जो नाम जोड़ता है वो इसी का है क्या? कराची का मतलब। बाज़ अंदाजों के मुताबिक नासिर शान की कुल दौलत 1 अरब डॉलर के करीब है, ये पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 105 अरब रुपए बनते हैं। नंबर 1 का कितना होगा? नासिर शान ग्रुप के मालिक हैं और उनकी कंपनीज रियल एस्टेट और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। नासिर शान का कारोबार पाकिस्तान के अलावा दुबई में भी मौजूद है। ओके। नंबर 7 पर है मलिक रियाज हुसैन। मलिक रियाज हुसैन पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। मलिक रियाज की दौलत का कुल तखमीना 1.1 अरब डॉलर है, पाकिस्तानी रुपयों में ये तकरीबन 115 अरब रुपए बनते हैं। मलिक रियाज की उम्र 63 साल है और इन्होंने अपनी दौलत अपने मशहूर प्रॉपर्टी ब्रांड बहरिया टाउन से कमाई है। मलिक रियाज के मुख्तलिफ प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में मौजूद हैं। हाल ही में मलिक रियाज ने कराची में पाकिस्तान की बुलंद तरीन इमारत बहरिया आइकन टावर भी बनाई है। वाओ। और मुस्तकबिल करीब में मलिक रियाज पाकिस्तान में होटल इंडस्ट्री में भी कदम रखने वाले हैं। नंबर 6 पर है सदरुद्दीन हाशवानी। पाकिस्तान में होटल इंडस्ट्री के पिताज बादशाह सदरुद्दीन हाशवानी साहब हैं। इनकी उम्र 76 साल है और इनका ताल्लुक कराची से है। इनकी दौलत का कुल तखमीना 1.1 अरब डॉलर है। ओके, इनका भी उन्हीं की तरह है, उन्हीं के बराबर है। तकरीबन 115 अरब रुपए बनते हैं। हाशवानी साहब ने अपने कारोबार का आगाज 1960 में कपास की खरीदो फरोख से किया और कुछ ही सालों में पाकिस्तान के सबसे बड़े कपास के ताजर बन गए। ताहम उनकी ये कंपनी 1973 में नेशनलाइज हो गई। 1978 में सदरुद्दीन हाशवानी ने इस्लामाबाद में हॉलीडे इन के नाम से अपना पहला होटल खोला। इसके कुछ अरसा बाद उन्होंने कराची में दूसरा होटल खोला। 1990 की दहाई में उन्होंने अपने होटल्स को मैरियट ब्रांड से मुंसलिक कर दिया। कुछ ही अरसा बाद सदरुद्दीन हाशवानी ये बिल्डिंग मैंने देखी है, कॉन्टिनेंटल होटल्स भी खरीद लिए। 14 अगस्त पर मैंने इसको देखा था। हाशवानी मुतअद्दिद होटल्स के मालिक हैं। इसके अलावा उनका कारोबार ऑयल एंड गैस, मिनरल्स और फार्मास्यूटिकल्स तक भी फैल चुका है। नंबर 5 पर है नवाज शरीफ।
नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के एक मशहूर और मारूफ सियासतदान हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह हैं, पाकिस्तान के पांचवें अमीर तरीन शख्स हैं। 67 साल नवाज शरीफ की आमदन के जरिए में मुतअद्दिद शुगर मिले, स्टील मिले और ज़राअत शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ साहब अब खुद कारोबारी मामलों में दखल कम देते हैं और इनके बेटे जो कि पाकिस्तान से बाहर मुकीम हैं, कारोबारी मामलों को संभालते हैं। अक्सर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ और इनके खानदान की पाकिस्तान से बाहर बरतानिया, मशरिक़ वुस्ता और दीगर ममालिक में काफी इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस मौजूद हैं। नंबर 4 पर है सर अनवर परवेज। सर अनवर परवेज की उम्र 81 साल है और वो 21 साल की उम्र से बरतानिया में मुकीम है। सर अनवर परवेज ने 1963 में बरतानिया में एक कन्वीनियंस स्टोर खोलकर कारोबार का आगाज किया। 1970 तक उनके कारोबार ने खूब तरक्की की और वो 10 स्टोर्स के मालिक बन बैठे। उस वक्त उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बेस्टवे रख दिया। बेस्टवे ग्रुप 2014 में बरतानिया में दूसरा सबसे बड़ा होलसेलर ग्रुप बन चुका था। सर अनवर परवेज की दीगर कंपनियों में बेस्टवे सीमेंट और यूनाइटेड बैंक शामिल हैं। नंबर 3 पर है आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी के नाम से कौन वाकिफ नहीं। जरदारी साहब न सिर्फ सियासत की दुनिया के बादशाह हैं, बल्कि बिजनेस की दुनिया में भी बहुत आगे हैं। आसिफ अली जरदारी की उम्र 61 साल है और उनके दौलत का कुल तखमीना 1.8 अरब डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 188 अरब रुपए बनते हैं। आसिफ अली जरदारी की आमदन के जरिए में मुख्तलिफ शुगर मिल्स, काश्तकारी और पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ बिजनेस शामिल हैं। अक्सर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जरदारी साहब की अमरीका, बरतानिया और मशरक़ वुस्ता के ममालिक में काफी ज्यादा प्रॉपर्टी मौजूद है। पॉलिटिशियंस जो है पाकिस्तान के वो बाहर बहुत ज्यादा बिजनेस कर लिया उन्होंने। मियां मंशा पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दूसरे अमीर तरीन शख्स हैं। दो नंबर पे मियां मोहम्मद मंशा पाकिस्तान में कयाम पजीर लोगों में अमीर तरीन शख्स समझे जाते हैं। इनकी उम्र 70 साल है और इनकी दौलत का तखमीना 2.6 अरब डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 270 अरब रुपए बनता है। मियां मंशा पाकिस्तान की सबसे बड़ी फैब्रिक मिल निशात टेक्सटाइल के मालिक हैं। इसके अलावा वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक जो कि एमसीबी के नाम से जाना जाता है के भी मालिक हैं। एमसीबी का शुमार पाकिस्तान के 4 बड़े बैंकों में होता है। मियां मंशा की दीगर कंपनीज में डीजे खान सीमेंट, आदम जी ग्रुप और पाकिस्तान एविएटर्स एंड एविएशन शामिल हैं। कुछ ही अर्सा पहले मियां मंशा ने लाहौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल जिसका नाम द एम्पोरियम मॉल है बनाया है। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त में नंबर 1 पर है शाहिद खान। ये वरना मुझे देसी लग रहा है। इनका तखमीना 7.2 अरब डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 750 अरब रुपए बनते हैं। शाहिद खान का ताल्लुक लाहौर से है, ताहम वो पिछली कई दहाइयों से अमेरिका में मुकीम हैं और वहीं पर उन्होंने अपने कारोबार को परवान चढ़ाया। शाहिद खान 16 साल की उम्र में पाकिस्तान से तालीम की गर्ज से अमेरिका गए। वहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। इसके बाद उन्होंने कुछ अरसा नौकरी की, फिर उन्होंने कारोबार की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होने लगे। 66 साल शाहिद खान गाड़ियों के बम्पर बनाने वाली कंपनी फ्लेक्सिंग गेट के मालिक हैं। इसके अलावा उन्होंने अमरीकी फुटबॉल लीग की टीम जैक्सनविल जैगुआर्स और बरतानवी फुटबॉल टीम फुलहम भी खरीद रखी है। वाह यार क्या बात है, ये है भाई बंदा। उम्मीद है आपको हमारी आज पाकिस्तान के बहुत ही अमीर 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 लोग और 750 बिलियन की प्रॉपर्टी, 750 बिलियन के मालिक पाकिस्तानी रुपीस में बहुत ही ज़्यादा होते हैं 750 बिलियन। एंड कहाँ से क्या स्टार्ट किया, किस तरीके से पहुँचे, कुछ पॉलिटिशियंस थे। मुझे लगता है पॉलिटिशियंस का कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह बनाना, मतलब अमीर हो जाना थोड़ा सा आसान होता है बाकी लोगों के मुकाबले। तो ओवरऑल इसमें पॉलिटिशियंस थे, हार्ड वर्कर्स थे जो इन्होंने जिन्होंने बहुत ग्राउंड लेवल से स्टार्ट कर यहाँ तक पहुँचे। एंड लास्ट में जो शाहिद थे उनकी तो एकदम से जंप करी उनकी प्रॉपर्टी की जो
नंबर्स थे एकदम से 750 बिलियन, बहुत ज़्यादा एकदम से जंप कर दिया उन्होंने बिजनेस हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बाहर ज़्यादा होती हैं आई थिंक, ऐसा मुझे लगता है। और अपने अपने बैंक्स हैं लोगों के, तो बहुत सही लगा इस वीडियो को देखकर, जानकर मतलब शॉकिंग, थोड़ा थोड़ा शॉकिंग भी था, एंड इतनी इतनी प्रॉपर्टीज़ इन्होंने क्या क्या काम किए हैं ये सब कुछ जानना अच्छा लगता है। ऐसा अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो लाइक करके शेयर करें, कैसा लगा ये ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाइप कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग आउट।